पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, कर्नाटक सीएम के नाम का आज खड़गे कर सकते हैं ऐलान। कर्नाटक में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद अब तक सीएम के नाम पर कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शाम 4:30 बजे पर्यवेक्षकों के साथ फिर से बैठक होगी। कल तीनों पर्यवेक्षकों ने खड़गे को सौंपी थी रिपोर्ट। और वहीं कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में सीएम के नाम पर माथापच्ची लगातार जारी है। कुछ विधायकों की मांग, सिद्धरमैया बने सीएम तो डीके शिवकुमार के समर्थक मांग कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाए। देखते हैं कि आज क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, कर्नाटक में सीएम के नाम को लेकर चल रहे मंथन के बीच दिल्ली में कल से हो रही है सिद्धरमैया तो आज दिल्ली आ रहे हैं डीके शिवकुमार। बेंगलुरु से दिल्ली रवाना होने से पहले ही डीके शिवकुमार ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा कि पार्टी माँ समान होती है, जो चाहिए होता है वो माँ देती है। डीके शिवकुमार ने कहा, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं पार्टी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया है बड़ा ऑफर। ममता ने कहा कि 2024 आम चुनाव में कांग्रेस को हम समर्थन देंगे, लेकिन उन्हें बंगाल में हमारे खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने होंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता के सशर्त पेशकश को ठुकराया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों के बाद ही ममता ने क्यों की पेशकश। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें जहां जरूरत होगी वहां हम लड़ेंगे। आगे चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, कर्नाटक में हार के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की तैयारी में जुटी बीजेपी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर आज कार्य समिति की लेंगे बड़ी बैठक। बैठक में भूपेश बघेल सरकार को घेरने पर बीजेपी का मंथन होगा तो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पिछली प्रदेश कार्य समिति में दिए टास्क की समीक्षा भी होगी। विधानसभा 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू करेगी। 100-100 घरों में जाकर लोगों से बात करेंगे नेता और मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज देश भर में कई जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्तियों को देंगे अपॉइंटमेंट लेटर और 45 जगहों पर लगने वाले रोजगार मेले के तहत 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर नव नियुक्तों को संबोधित भी करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, गहलोत सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अब पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा करने वाले सचिन पायलट ने समर्थकों को संबोधित किया और 3 मांगे रखी हैं। सचिन पायलट ने मांग की कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक से आर्थिक नुकसान झेलने वाले बच्चों को उचित मुआवजा मिले और वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच हो। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे ज्ञापन और सभी पहलवानों ने अपने अपने जिले में आज से सत्याग्रह करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रेस्लर्स से अपील है, कहा कि अब IOA की एडहॉक कमेटी फेडरेशन को देख रही है, प्लेयर्स के ट्रायल भी शुरू हो गए हैं, पहलवानों को अब अपना धरना बंद कर देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड रतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का अब तक सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, अब शाइस्ता विदेश नहीं भाग पाएगी। शाइस्ता के अलावा बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें शाइस्ता, गुड्डू और साबिर को लगातार तलाश रही हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। नौवीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर लिए चलते हैं, अब आपको बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही द केरल स्टोरी पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई है याचिका, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट